गणपति विसर्जन के लिए जा रहे युवकों ने ट्रक चालक से चार लोगों को हमला करके जख्मी कर दिया। यह वारदात मंगलवार की शाम हुई है। समतानगर निवासी गुरुबेल सिंह दातले ट्रक में गणपति प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। मार्ग में अचानक गड्ढा आने से गुरुबेल सिंह ने ट्रक रोक दिया। उसी वक्त पीछे से आरोपी प्रकाश भगत, निशांत सहारे, प्रांशु सहारे, धीरज नागदेवते अपने चार साथियों के साथ हाथ ठेले पर गणपति की प्रतिमा विसर्जन के लिए ले जा रहे थे। गुरुबेल सिंह के अचानक ब्रेक लगाए जाने से आरोपी आग बबूला हो गए। उन्होंने गालियां देते हुए गुरुबेल सिंह और उनके साथी रिंकू, श्रीराम, विवेक तथा विकी पर हमला कर दिया। आरोपियों द्वारा चारों को जख्मी किए जाने से पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हमलों का मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। देखिए सर, हमारा यहाँ पे संतानगर में हम लोग गणपति सिराने गए थे और हमारी गाड़ी फंस गई थी। हम गाड़ी निकाले और उसके बाद में थोड़ा आगे आए तो कुछ लोग ठेले पे गणपति सिराने लेके जा रहे थे। और वो पूरे के पूरे पिए हुए थे, पूरा नशा किए हुए थे। और उन लोगों ने गाड़ी रोके, उसके बाद पत्थरबाजी करे, उस पर मार, जितने लोग थे सबको मारे उन लोगों ने। मारने के बाद में गाड़ी फोड़े, बॉक्स फोड़े, बहुत सारा नुकसान करे लोगों का। और लेडीज़ को छेड़ रहे थे, लेडीज़ को भी मारे है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे रात को पूरे जितने लड़के रहते हैं, गलत इंसान सब यहाँ पे साहू आटा चक्की के पास में शाम को सब बैठे रहते हैं। शाम को 10 बजे के बाद में पूरे के पूरे रात के 11, 12, 1 बजे तक के सब बैठे रहते हैं। और यहाँ पे दारू भी बहुत बिकती है और आने जाने वालों को भी बहुत तंग किया जाता है। यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ चलते रहता है झगड़ा। अभी आप मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारा जितना नुकसान हुआ है वो भरपाई करना करवाना चाहिए। और ऊपर से जो अभी घूम रहे हैं उनको अंदर करना चाहिए, उनको पकड़ा जाना चाहिए। और जो भी यहाँ पे पुलिस वाले जो एक्शन नहीं ले रहे उस पर एक्शन लिया जाए। सर, हम लोग गणपति ठंडा करने जा रहे थे घरगुती, तो जाते समय तो अच्छे से गए। आते समय गाड़ी थोड़ी सी फंस गई थी। गाड़ी फंसने के अनुसार गाड़ी निकाल तो लिए थे, पर आगे से कोई लड़के लोगों आ रहे थे गणपति लेके, बेवड़े लोगों ट्राली में, वो इसमें हाथ ठेले में लेके, उन लोग पीखा करके थे। उन लोग छेड़खानी जैसे कर रहे थे, उन लोग ने गाली दिए। गाली देने के बाद में उन्होंने बोले कि फत्तरे मारे। पत्थर मारने के बाद में ड्राइवर उतरने के बाद में उनको गाली उतार करके गच्ची उच्ची पकड़े और मार झोड़ करने लगे। वहीं पे हाथापाई होने लगी तो बच्चे लोग को लेके लेडीज लोग इधर उधर सब तितिर बितिर हो गए, पर उन लोग ने छोड़े नहीं। और ट्रक को और इसको उसको सबको मार मूर करके डेग उग फोड़ना, ये वो तमाशे, बहुत भयंकर तमाशे कर लिए उन लोग ने। इस तरीके से सबको अभी डर जैसे हो गया। और उन लोग यहाँ पर आते जाते घूमते फिरते, कौन किसके घर के पास में बैठता है, कौन क्या करता है। लड़के लोगों ना इधर उधर जाते हैं, जैसे रोड से घूमते फिरते रहते, तो उनके तरफ गुस्से से देखते रहते हैं लड़कों लोग को कि कब क्या कर डालेंगे, कोई गारंटी नहीं है। तो ये पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। ऊपर से उन्हें क्या करे कि 2 दिन बाद उन लोग को छोड़ दिए पुलिस वालों ने। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो डेग हुआ, ट्रक पूरा फोड़ डाले, पूरा चूरा कर डाले, पूरे पैसे निकाल लिए, 30-35 हज़ार कुछ निकाल लिए, और चैन भी निकाल लिए खींचातानी में सोने की। लेडीज के गले में से चैन निकाल लिए। वो दीदी अभी बाहर रहती है, आई थी घर में, आई थी, मेहमान थी, वो चले गए, उनके सर पे लगा है मार। ऐसे करके करे उन लोग ने। हमारी मांग ये है कि पुलिस वाले कुछ करे हमारे लिए। उन लोग कुछ करते नहीं। समतानगर में वो क्या-क्या? हाँ, समतानगर में जो दारू वारू बिकती है और जो लड़के लोग उन खड़े रहते हैं, जो गुंडागर्दी करते रहते हैं, लड़कियों को छेड़खानी करते रहते, वो तो बंद करवाना चाहिए ना। अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को क्या करना चाहिए? हम लोग घर के अंदर ही बैठ के रहेंगे कि हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने कहीं भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? पुलिस वाले कोई कार्रवाई कर नहीं रहे। जाते हैं तो बोलते चले जाओ घर, आ जाएंगे, कर लेंगे, यही चल रहा है। इसके सिवा हम क्या कर सकते हैं? वापस जाना, पुलिस स्टेशन से वापस आना पड़ता है। बोलते दोनों पार्टी में पिए खाए थे, पुलिस वाले ये बोल रहे कि दोनों पार्टी पी हुई थी। पीने के बाद में दंगा करे, झगड़ा करे, हो गया झगड़ा, हो गया 10 मिनट के झगड़े को 3-4 घंटे पे खींच रहे हैं, ऐसे करके पुलिस वाले बोलते हैं। हम क्या करना चाहिए? हमारे इधर क्या करना चाहिए? लड़की बच्ची जाती तो उनको छेड़खानी करते, क्या दिख रही है यार, क्या माल है, क्या है, ऐसे करके बोलते हैं। रास्ते से लड़की आके घर में बताती है, पुलिस स्टेशन जाओ तो पुलिस स्टेशन में सुनवाई नहीं होती बराबर। क्या करना चाहिए हम लोग ने उसके लिए? समता नगर में मेरा ये गणपति विसर्जन करने के लिए गए थे हम लोग। गणपति विसर्जन करते समय वापिस आ रहे थे, ये 7-8 लड़कों ने हमारे साथ में हादसा के लिए मतलब मारपीट की है। उधर से आते समय गाड़ी जबरदस्ती रोक के रंगदारी बता रहे हमारे को वहाँ से।
क्या क्या नुकसान हुआ तुम्हारा? नुकसान सर पूरा ट्रक व सब फोड़ डाले हैं और लड़कों को मार लगी है 7-8 जन को। गणपति विसर्जन करके रिटर्न आ रहे थे हम लोग, जबरदस्ती का दारू भी किए हम लोगों ने। कितने लड़के थे ये? ये लड़के 8-10 जन थे। ये क्या कहाँ के रहने वाले? ये यहीं के सर, समता नगर के ही। क्या दारू पी के सर रंगदारी बता रहे ये लोग। कहाँ कहाँ लगा सबको? सबको सिर फटे है सर, 7-8 जन के सब, किसी का हाथ तोड़ा है, किसी के सिर में टामी मारे, किसी का पत्थर मारे करके। कोई हमारी कोई ये गलती भी नहीं है सर, जबरदस्ती गाड़ी रोक के नुकसान कर रहे हैं लोग, कुछ भी नहीं है। 3-4 हादसे हो चुके हैं पहले समता नगर के अंदर में। चोरी सर हुआ, पैसा छीने उन लोगों ने और चैन, गले की चैन छीने एक लेडीज की, लेडीज को भी मारे इन लोगों ने। पुलिस रिपोर्ट हुई है हमारी थाने में, लेकिन पुलिस वालों ने लेकर गए 4 जनों को पकड़ के, उनमें से एक को तुरंत छोड़े वहाँ से वापिस कि इसको कोरोना है करके। कोरोना रहता तो उसको घर तक के छोड़ने के लिए आए लोग। 3 जनों को सिर्फ इनने पेश किया, दूसरे दिन बेल पे उनको भी छोड़ दिया इन लोगों ने वहाँ से। कोई अभी तक के नहीं है यहाँ से, लेडीज आधी रात को वापस घर तक के नहीं जा सकती, घर से काम से बाहर नहीं निकल सकती कैसे भी, इतना ये करते रात को दारू पी के लोग। पेपर सर पूरी गाड़ी के पेपर जला दिए इन लोगों ने, गाड़ी को जलाने की कोशिश की गई, पूरी गाड़ी फोड़ दी है। गाड़ी भी अभी पुलिस स्टेशन में खड़ी है जरीपटका में।